मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य सुमेर शास्त्री, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे व्यू के कहने से, मेरी बहनों के कहने से आज पति वशीकरण का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान प्रयोग है। मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसे अनेकों बहनें हैं जो अपने पति के प्यार से दुखी हैं, या पति का प्यार मिलता नहीं है, या पति के ऊपर किसी औरत का वशीकरण का प्रभाव है। तो आज का वीडियो आपके पति के ऊपर अगर वशीकरण का प्रभाव है तो वशीकरण से कैसे बचें, आपके पति के ऊपर किसी औरत ने वशीकरण करवा रखा है, या वशीकरण की कोई वस्तु पिला रखी है, तांत्रिक प्रयोग करा रखा, अघोरी प्रयोग करा रखा है, या मुस्लिम क्रिया करा रखा है, कैसे भी करके आपके पति आपसे दूर जा रहा है, आपके ऊपर ध्यान नहीं देता है, जो भी कमाता है घर में यूज उपयोग के लिए पैसे नहीं देता है, आपसे अच्छी तरह संबंध नहीं रखता है, आपका कहना नहीं मानता है, ऐसी कंडीशन में आपके पति के ऊपर वशीकरण किया गया है, उस वशीकरण को कैसे दूर किया जाए, उस वशीकरण से कैसे बचें, वो आज का मेरा वीडियो है। मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि घर बैठे आप मेरी सेवाओं का लाभ ले सकते हो। तो सबसे पहले अपने पति का पहना हुआ कपड़ा लेना चाहिए, छोटा सा भाग लेना चाहिए शर्ट या पेंट का। इसके ऊपर जो मांग भरती हो आप सिंदूर से अपने पति का नाम लिखना, सिंदूर से नाम लिखने के बाद भी अदरक, ऐसा अदरक का छोटा सा भाग लेना, छोटा सा पीस लेना है, और इसके ऊपर काजल से अपने पति का नाम लिखना, अदरक के ऊपर अपने पति का नाम लिखना, नाम लिख के बाद भी यहाँ रखना है, और उसके बाद भी थोड़ी सी शक्कर लेना, शुगर खांड शक्कर इसके ऊपर रखना है। अब इसमें एक पोटली बना दो, ऐसे पोटली बना के इसको लाल धागे से इसे गांठ लगा दो, और गांठ लगाने के बाद भी अपना थूक होता है, थूक से दो बिंदिया कर दो अपने पति का नाम लिखें। और अब ये पोटली आपका पति जब सो जाता रात को, नींद आ जाती है, तो इस पोटली को 21 बार अपने शरीर के, पति के शरीर के ऊपर ऐसा टच कर देना चाहिए। टच करने के बाद भी सिर से पैर तक इसको 5 बार घुमा देना चाहिए, उतार लेना चाहिए। उसके बाद में इसको अपने ऊपर 5 बार उतार लेना चाहिए, अपने पति का नाम लिखे 5 बार। उतारने के बाद में इसको बिस्तर के नीचे रख दीजिए। बिस्तर के नीचे रखने के बाद में जब आप अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी उठते हो, तो पति को मालूम नहीं होना चाहिए, उड़ते ही बिस्तर से नीचे से निकाल के फिर से अपने पति के ऊपर सिर से पैर तक 7 बार घुमा लीजिए, और घुमाने के बाद में एक मंत्र कर दीजिए, ओम ह्रीम क्लीम मम पति वश्यामी आजवन वश्यामी कुरु कुरु स्वाहा। अब अपना पति का 7 बार नाम ले लीजिए और 7 फूंक लगाओ। अब इसको बहनों यह मंत्रित हो गया है, यह आपके वश में करने के लिए पति का वशीकरण हो गया है, और इसको अब आप सेक्रेट रूप से अपने छत के ऊपर, अपने घर की छत के ऊपर सेक्रेट गुप्त जगह पे इसको 3 दिन तक रखना है। 3 दिन तक रखना है। 3 दिन तक क्यों रखना है कि क्योंकि हमने जो वशीकरण किया ना, संपूर्ण रूप से अदरक खांड के ऊपर ये वस्तु मंत्रित हो जाए, पति की मंत्रित वस्तु इसके अंदर पूरी की पूरी लागू हो जाए, और 3 दिन के बाद में इसको खोल के शक्कर और अदरक का पीस के मिश्रण बना लेना। मिश्रण बनाने के बाद भी इस मिश्रण को अपने पति को चाय में, दूध में, जूस में, सब्जी में, कैसे भी मिला के इसको पेट में पिला दो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये वस्तु जो ही आपका पति पिएगा, तो इसके आपके पति के ऊपर किया गया वशीकरण, तांत्रिक प्रयोग, अघोरी क्रिया, संसारी क्रिया, कैसा भी वशीकरण हो, तुरंत 21 घंटे के अंदर अंदर दूर हो जाएगा, और आपका पति आपके वश में हो जाएगा, आपका कहना मानेगा, आपसे मोहब्बत होगी, आपसे प्रेम होगा, आपके प्रति प्रेम जागृत होगा, और उसके माइंड में ऐसी फीलिंग महसूस हो जाएगी कि मेरी पत्नी है, मेरी संतान है, मेरा परिवार है, और कभी भी वापस आपका पति कोई किसी औरत या लड़की के चक्कर में पड़ेगा नहीं, मोहब्बत में नहीं पड़ेगा, और गलत दृष्टि से किसी औरत या लड़की को नहीं देखेगा, और कोई भी औरत आपके पति के पीछे नहीं पड़ेगी, वो प्रेम नहीं करेगी, वशीकरण नहीं करेगा, तांत्रिक प्रयोग नहीं करेगा। अगर
कराती है तो ये मंत्रित वशीकरण, पति पत्नी का वशीकरण जो आपने पिलाया है, तो कोई दूसरी औरत वशीकरण करेगा उसका वशीकरण लागू नहीं होगा, वापस रिटर्न जाएगा और आपके पति का बाल ही बांका नहीं कर सकते हैं और आपके पति को कोई भी आपसे अलग नहीं कर सकते। ये मेरा दावा है, ये प्रयोग सफल है और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको कोई भी समस्या का समाधान चाहिए आचार्य सुमेर शास्त्री जी को एक फोन कीजिए, घर बैठे समाधान लीजिए। नमस्कार।